सागर में अतिवृष्टि के चलते पानी की टंकी धराशाही हो गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पीएचई विभाग के ई सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द ही सुधार कराने की बात कही। आपको बता दें कि केसली नगर के लोगों की मांग है कि बड़ी पानी की टंकी स्वीकृति की जाए, इतना ही नहीं धराशाही हुए मकानों का भी प्रशासन ने मुआवजा देने की बात कही है। देखिए, जो पूर्व से निर्मित जो टंकी थी जो लगभग 22 साल पुरानी थी, जो कि कल गिर गई है, और यहाँ दो टंकियाँ और हैं। एक तो नई टंकी 300 KL क्षमता की अभी जो निर्माणाधीन है, जो बन रही है, जिसमें बनने में अभी लगभग 3 माह का समय और लगेगा। एक एग्जिस्टिंग टंकी है यहाँ पहले से, और जो टंकी गिरी है उसके आसपास से बता रहे हैं यहाँ 20 पाइपलाइन गुजरती हैं।